अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माश की दाल तो आप सब लोगों को पसंद होगी और मुझे भी बहुत पसंद है। तो इसको निखरा निखरा और खिला खिला कैसा बनाना है और इस रमज़ान में आप लोगों ने इस तरीके से दाल बना के खानी है, आप लोग अपनी उंगलियां चाटते हुए रह जाएंगे। बहुत मज़ेदार डिलीशियस निखरी और खिली हुई माश की दाल, होटलों पर भी बाज़ार में इसी तरह की दाल मिलती है। मैं आपको अपने स्टाइल में माश की दाल बनाने की रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। माश की दाल को क्या करना है कि जितनी भी क्वांटिटी लेनी है उसको अच्छी तरह से धो के उसको भिगो देना है। भिगोने के बाद इसको कुकर में डाल लेना है, ठीक है। प्रेशर कुकर में ये बहुत कम टाइम लेगी पकने में, ठीक है। इसको क्या करना है कि सबसे पहले ऑयल लेकर, आप लोग ऑयल कम या ज़्यादा जितनी भी क्वांटिटी लेना चाहते हैं, ऑयल डालकर क्या करना है कि दाल को थोड़ी सी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद इसमें ग्रीन ऑनियन, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट और इसके अलावा मिर्चें ऐड कर देनी है, ठीक है। हरी मिर्च आप लोगों के पास है तो आप लोग वो ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको भून लेना है। और अगर आप लोग ये नोट करें कि नीचे लग रहा है तो साथ ही साथ चम्मच की मदद से इसको नीचे से उतारते जाएं। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करें और पानी ऐड करने के बाद नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, धनिया का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा करी पाउडर। करी पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग नहीं भी ऐड करें तो भी आपकी दाल बहुत मज़े की बनेगी। मेरे पास घर में मौजूद था तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। दाल में टेस्ट को मज़ीद ज़्यादा डिलीशियस बनाने के लिए करी पाउडर अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग इसमें ऐड कर दें। अब क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए मज़ीद भून लेना है। याद रहे कि जब इसमें नमक मिर्च ऐड करना है तो इससे पहले थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेना है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। अब ये मग में वो पानी है जिसमें मैंने दाल भिगोई हुई थी, ये पानी बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसको इसमें ऐड कर देना है। ये दाल गलने के काम आएगा, ठीक है। ये दाल को इसमें पानी इतना ऐड करना है कि दाल जो है वो अच्छी तरह से इसमें डूब जाए। प्रेशर कुकर में दाल पकाने का एक आसान तरीका ये है कि ये 4 से 5 मिनट में आपकी दाल रेडी हो जाएगी और पानी जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करना है। सिर्फ इतना पानी ऐड करना है कि आपकी जितनी दाल है उसमें पानी इतना डालना है कि उसमें दाल जो है वो बिल्कुल ऐसे प्रॉपर नज़र आ रही हो। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है कि दाल जो है वो पानी में नज़र आ रही है सामने। इतना सा पानी ऐड करके फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम करने के बाद क्या करना है, प्रेशर कुकर को वेट लगा देना है। वेट कितने टाइम का लगाना है, 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि दाल की लुक कैसी है। जी व्यूअर्स, दाल की लुक आपके सामने है। अभी मैं इसको थोड़ा सा फोकस करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत डिलीशियस खुशबू आ रही है। ये फाइनल टच नहीं है, फाइनल जो है वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी। अभी ये देखिए दाल किस कदर निखरी निखरी सी है और दाल जो है बिल्कुल गल भी चुकी है, रूई की तरह सॉफ्ट हो चुकी है और ऑयल भी इसमें क्वांटिटी में पूरा है। वैसे माश की दाल जो है वो हम लोग जो पाकिस्तान में बनाते हैं वो अगर उसमें ऑयल ना हो तो उसको
खाने का टेस्ट ही नहीं आता है। लेकिन अगर आप लोग डाइट कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप लोग क्या करें कि इसका थोड़ा सा ऑयल कम डालें। ये देखिए जी, मैंने इसको फोकस किया है, दाल की लुक देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की, ढाबा स्टाइल जो दाल है वो रेडी हो चुकी है हमारी, और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अभी मैं इसको सर्विंग, जो इसका लास्ट पॉइंट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दें, प्यार भरे कमेंट कर दें। आप लोगों के कमेंट से हौसला अफज़ाई होती है। आप लोग किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। व्यूअर्स, दाल जो है वो बबल्स खा रही है और बहुत मज़े की खुशबू इसमें से आ रही है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। जी व्यूअर्स, ये है हमारी माश्ट की दाल की फाइनल लुक, और आई होप कि दाल को देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। इस रमज़ान जो है वो आप लोग कुछ स्पेशल करें, स्पेशल किस्म की रेसिपी जो है वो तैयार करें, और रमज़ान में जो है वो चटपटे नए नए खाने खाने को दिल करता है, और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एवरग्रीन आइडियाज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।